दोस्तों, सोल्जर्स डिफेंस एकेडमी के चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग इस सेशन में क्लास 12th का जो न्यू सिलेबस कल अपडेट किया है सीबीएसई ने या एनसीईआरटी ने, तो उसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना। ये सेशन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जिनको 2021 में बोर्ड एग्जाम देना है। अगर सीबीएसई ने अपडेट किया है तो उसी के अकॉर्डिंग उम्मीद करते हैं स्टेट बोर्ड्स भी अपने सिलेबस को कम करेंगे। तो क्या कम हुआ है वो हम लोग देखें, तो लास्ट तक आप वीडियो को जरूर देखेंगे। अगर खास करके आप क्लास 12th में हो या आपके परिचित कोई क्लास 12th में हो, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैथ्स के सिलेबस में क्या क्या कम किया गया। मैं यहाँ मैथ्स के सिलेबस की ही बात करूंगा। तो मैथ्स के सिलेबस में जो आपका कम हुआ है, फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस में कंपोजिट फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शन का कंपोजिशन निकालना और इनवर्स निकालना जो है, इनवर्स फंक्शन, वो अब 2021 के सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में नहीं रहेगा। सेकेंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हटा दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये भी आपका हटा दिया गया, रिड्यूस कर दिया है। यूनिट 2 अलजेब्रा में मैट्रिसेस, मैट्रिक्स में एक्सिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स हुज प्रोडक्ट इज द जीरो मैट्रिक्स, दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स होता है, ऐसा अगर एक्सिस्टेंस जो निकालने का तरीका होता था, वो आपका सिलेबस में अब नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस ये भी हटा दिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमेशा 5 मार्क्स वाले 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में अक्सर इससे क्वेश्चंस पूछा जाता था, ये अब आपके सिलेबस में नहीं है। प्लस प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इनवर्स इफ इट इज एग्जिस्ट, यूनिकनेस जो किसी भी इनवर्स फंक्शन का, इनवर्स जो होता है किसी मैट्रिक्स का, इनवर्स जो यूनिक होता है, ये प्रूफ करने का, ये शो करने का तरीका जो है वो आपके अब सिलेबस में नहीं है। डिटरमिनेंट्स की बात करें तो डिटरमिनेंट्स में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स हटा दिया गया है आपका, और साथ ही साथ कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ये भी हटा दिया। इसका मतलब डिटरमिनेंट्स कुल मिलाकर के लगभग खत्म पे ये है, चीजें हैं लेकिन बहुत बेसिक चीजें ही डिटरमिनेंट्स में अब आपको पढ़ना है। प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस नहीं करना है आपको, क्रेमर्स रूल जो होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, ये सब आपकी चीजें आप सिलेबस में नहीं। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी में रोलिस थ्योरम एंड लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम अब आपके सिलेबस में नहीं है, और इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ये भी अब आपको नहीं पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, जो रेट मेजरमेंट चैप्टर होता था आपका, यूज ऑफ डेरिवेटिव्स इन अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन और रेट मेजरमेंट जो है वो अब आपके सिलेबस में नहीं है। इंटीग्रल्स की बात करें तो रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का इंटीग्रेशन नहीं है, और ए एक्स प्लस बी इंटू रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का भी अब आपके सिलेबस में नहीं है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर बात करें तो डेफिनेट इंटीग्रल्स एज ए डेफिनेट इंटीग्रल्स एज ए लिमिट ऑफ ए सम ये आपके सिलेबस में अब नहीं है। लास्ट में इंटीग्रेशन के लास्ट में ये एक टॉपिक होता था और इससे अक्सर क्वेश्चंस पूछा जाता था, तो ये भी अब आपके सिलेबस में नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में एरिया बिटवीन एनी टू अबव सेट कर्व्स, दो कर्व्स के बीच जो एरिया बाउंड होता था वो अब आपके सिलेबस में नहीं है हमारा। एप्लीकेशन डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, अगर जनरल सॉल्यूशन दिया है हमारा तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने का जो तरीका था, प्रोसेस था, मेथड था, वो अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म का नहीं पढ़ना है वो आपके दिया हुआ है, वो आप जाकर के देख सकते हैं, यहाँ देखते हैं, देखते रहिए सामने आप, तो ये चीज आपके सिलेबस में नहीं है। वैक्टर में स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वैक्टर्स जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। और थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स एंड एंगल बिटवीन लाइन एंड ए प्लेन ये अब आपके सिलेबस में नहीं है। तो अगर हम बात करें तो नो डाउट लगभग अगर ऐसे देखा जाए तो 30% के आसपास सिलेबस कम हुआ है आपका, लेकिन कहीं ना कहीं जो सीबीएसई के
मंशा थी कि बच्चों पे बर्डन कम हो आपका, तो उस बर्डन को कम करने में अगर मैथ्स टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो वो कम नहीं हुआ है। क्यों नहीं कम हुआ है कि जैसे मैं एग्जांपल में वेक्टर की बात करूं अगर, तो वेक्टर में आपका स्केलर प्रोडक्ट हटा दिया गया, वेक्टर प्रोडक्ट रखा गया है, स्केलर प्रोडक्ट हटा दिया गया और वेक्टर प्रोडक्ट रखा गया है हमारा। तब सवाल ये उठता है कि कोई भी टीचर या कोई भी बच्चा बिना टीचर बिना स्केलर प्रोडक्ट पढ़ाए वेक्टर प्रोडक्ट कैसे पढ़ा देंगे वो? वेक्टर प्रोडक्ट में स्केलर प्रोडक्ट की कहीं ना कहीं जरूरत अक्सर होगी वहां पे। तो ये चीज घुमा फिरा के स्केलर प्रोडक्ट हमें पढ़ना ही पढ़ना है आपको। फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हटा दिया उन्होंने सिलेबस से और सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मैक्सिमम पार्ट रखा है। तो जब बच्चा फॉर्म करने ही नहीं सीखेगा फिर सॉल्यूशन की बात कहां से आ जाएगी? हो सकता है क्वेश्चंस आपसे बोर्ड में ना पूछे, लेकिन टीचर्स को तो पढ़ाना ही होगा फॉर्मेशन। जब तक फॉर्मेशन नहीं पढ़ाएंगे तब तक सॉल्यूशन वो ठीक से समझ ही नहीं सकते हैं। इंटीग्रेशन में उन्होंने रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म रिमूव कर दिया है सिलेबस से, लेकिन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट्स इंटीग्रल्स होते हैं हमारे उसमें उस कॉन्सेप्ट की बहुत जरूरत होती है। तो बिना उस कॉन्सेप्ट के बहुत सारे जो आगे के फॉर्म है जो सिलेबस में है वो चीज कर पाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो घुमा फिरा करके वो सारी चीजें भी हमें पढ़नी होगी। फंक्शन की बात करें तो इनवर्स फंक्शन हटाया गया है, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट है हमारा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट है। तब सवाल ये उठता है जब तक कोई बच्चा इनवर्स निकालना नहीं सीखेगा, व्हाट इज इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन के बारे में नहीं जानेगा, तब तक वो बच्चा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे पढ़ सकता? तो ये चीज इन्होंने ये नहीं किया कि हाँ एक पूरा पोर्शन हटा दिया जाए, ठीक, जिससे कि बच्चे के ऊपर बर्डन कम हो, टीचर्स के ऊपर भी बर्डन कम है, ठीक। टाइम तो 3 महीना लैप्स हो चुका है, 3 महीना हमारा जा चुका है, लेकिन सिलेबस भी कहने को है कि सिलेबस ये हमने कम कर दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है हमने कि ए बी सी है हमारा और ए बी सी में बी से ए से रिलेटेड बी है, बी से रिलेटेड सी है हमारा, तो अगर सी पार्ट हम हटाएं और ए बी से हमारा काम चल जाए तब तो हमारा बर्डन कम होगा, टीचर्स का बर्डन कम होगा या स्टूडेंट्स का बर्डन कम होगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया ए और सी रखा है, बी को हटा दिया, ए और सी उन्होंने रखा है और बी को हटा दिया। अब सवाल ये उठता है ए तो बच्चा पढ़ रहा है और बी पढ़ ही नहीं रहा, तो जब बी पढ़ नहीं रहा है तो फिर सी उसे समझ में आएगा कैसे? तो भले बी से आपका क्वेश्चंस ना पूछा जा रहा हो लेकिन सी पोर्शन के क्वेश्चंस को करने के लिए बी पोर्शन तो हमें घुमा फिरा करके पढ़ना ही होगा। तो मेरे हिसाब से तो अगर मैं कहूं कि आपको सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करिए, लेकिन जो पोर्शन रिड्यूस किया गया है उस पर भी थोड़ा बहुत आपको फोकस करना होगा, हमें भी, मतलब एज ए टीचर अगर कहूं मुझे भी फोकस करना होगा और आपको भी फोकस करना होगा कि उसके बिना जो सिलेबस में है वो पढ़ पाना या पढ़ा पाना दोनों के मुश्किल होगा हमारा। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, अकॉर्डिंग टू सिलेबस बोर्ड को तैयार जरूर करें लेकिन रिड्यूस्ड वाले पार्ट को भी आपको कहीं ना कहीं पढ़ना होगा। अब ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है कितने कम टाइम में जो टीचर्स हैं, खास करके अगर मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात ना करूं, प्राइवेट टीचर्स की बात करूं, सीबीएसई के सारे स्कूल गवर्नमेंट स्कूल हैं ऐसा नहीं है, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल हैं हमारे। अब उनको ना तो पेमेंट मिल रहा ना ऑनलाइन क्लासेस की बात है, तो ऑनलाइन क्लासेस में भी वो जो फैसिलिटी होती है वो नहीं मिल पा रही है। और स्कूल कब तक खुलेंगे, अगस्त में खुलेगा कि सितंबर में खुलेगा, कोचिंग सितंबर या अक्टूबर कब तक खुलेगा वो जानकारी अभी भी नहीं है, और ना ये सीन क्लियर है कि हाँ इतने दिन बाद अभी 31 जुलाई के बाद बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इसकी कोई जान इंफॉर्मेशन है नहीं। तो कहीं ना कहीं 3 महीना तो जा चुका है, आगे 2 महीना और जाएगा कि 3 महीना जाएगा ये कोई बता नहीं सकता है। तो क्या होगा और किस हिसाब से सिलेबस कम किया गया है, वहां हमसे बहुत अच्छे लोग बैठे हैं, बहुत विद्वान लोग बैठे हैं, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही किया होगा, अब कोई उपाय है नहीं, उसके हिसाब से तो हमें चलना, हमें और आपको चलना ही होगा। लेकिन थोड़ा सा सिलेबस ये समझ से परे है कि बीच के सेक्शन को हटा देना, मेरे समझ में चीजें थोड़ी कम आ रही हैं, लेकिन फिर भी चलिए दोनों लोग, आप और हम दोनों मिल करके इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो अभी सीबीएसई ने किया है और उम्मीद है कि जल्दी ही स्टेट बोर्ड्स जो है उसी के अकॉर्डिंग, जैसा कि एनसीईआरटी ने किया है उसी के अकॉर्डिंग बाकी भी कम होगा सिलेबस। तो आप कमर कस लीजिए,
जो भी जैसा भी इंस्ट्रक्शंस आया है उसके हिसाब से हमें भी चलना होगा और आपको भी चलना होगा। तो अब जुलाई आ गया, अब आपको लेट करने की जरूरत नहीं है। जो जिनको 2021 में बोर्ड का पेपर देना है तो न्यू सिलेबस लिंक भी आपको दिया गया, उस लिंक पे आप वेबसाइट पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अगर कोई डाउट्स हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आपके कमेंट्स का स्वागत है, आप कमेंट कीजिए और उसका मैं भरसक जवाब देने का प्रयास करूंगा, आपकी जो समस्या है उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।